अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। दोस्तों बारिश ने डेरे डाले हुए हैं तो आवाम थोड़ी तंग हो रही है, क्योंकि ख़ास तौर पर देहातों में जब घास काटते हैं लोग तो सर्दी के वक्त बहुत ही मुश्किल होती है, हाथ ठंडे हो जाते हैं। लेकिन बारिश ने बहरहाल मंज़र जो है ना बड़ा दिलचस्प कर दिया, खूबसूरत कर दिया। देखें प्यारे प्यारे दरख्त हैं और बारिश में तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ये रास्ते जिन पर हम चलते हैं, अगर ज़्यादा बारिश हो तो एक कीचड़ हो जाती है, फिर बंदा जा नहीं पाता, फिसल जाता है, बंदा गिर जाता है, बड़ी चोटें लगती हैं बंदे को। तो तमाम दोस्तों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग ट्रैफिक में होते हैं या रोड पर होते हैं, मतलब सफ़र में होते हैं, उन्हें चाहिए कि वो ज़रा एहतियात करें, क्योंकि हादसा का बहुत ख़तरा होता है, ब्रेक्स लगती नहीं कीचड़ में, तो इस तरह एहतियात बहुत ज़रूरी है। बेशक आप 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लेट पहुंच जाएंगे घर, लेकिन पहुंचेंगे तो सही, तो इसलिए हमें ड्राइविंग करते हुए बहुत ही एहतियात करनी है। सिर्फ ये नहीं कि आप एहतियात करेंगे तो खुद बचेंगे, नहीं, आप दूसरों को भी देखें वो कैसे ड्राइव कर रहे हैं, उनसे बचें आप, मतलब आपने उनसे बचना है, क्योंकि एहतियात से चलाते नहीं गाड़ियाँ लोग, तो इसलिए हम हादसात का बायस बन जाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं वो हादसात का बायस बनते हैं, उनको ड्राइविंग करने देते हैं हम। जो बच्चे ड्राइव नहीं कर सकते, छोटे हैं मतलब, उन्हें आप ड्राइविंग ना करने दें, गाड़ी खुद चलाएं, कार है या बाइक है कुछ भी है, तो ये एहतियात आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। तो अपनी भी ज़िंदगी बचाएँ, दूसरों को भी ज़िंदगी बचाएँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।